नमस्कार, रफ्तार में चलन में आपका स्वागत है। मैं से खड़ा हूँ करनाल के CIA वन में। आपको बता देना चाहता हूँ कि बीती 17 जून को यहाँ पर एक मामला सामने आया है। बता देना चाहता हूँ कि त्रावड़ी का ये मामला है और कहीं ना कहीं चाकू के दम पर यहाँ पर नकदी लूटी जाती है। देखिए तस्वीरें। 17 से 18 की एक ड्राइवर था, बैठसा लगाऊ का श्यामलाल त्रावड़ी के पास ट्रक पर ड्राइवर लगा हुआ है। वो उसको मालिक ने कहा भाई ट्रक में तेल डलवा लेना और उसके बाद जहाँ भी ट्रक ले जाना है वो आप ले जाना। तो उसको 8300 रुपये दिए डीजल डलवाएंगे और वो आदमी पैदल पैदल अपना त्रावड़ी से जीती रोड की तरफ अपने ट्रक की तरफ जा रहा था तेल डलवाने के लिए। और वो उसके हाथ में उसका फ़ोन था विवाह कंपनी का और वो फ़ोन सुनता जा रहा था। उसके पीछे से मतलब त्रावड़ी की तरफ से 3 लड़के बाइक पर आए, स्प्लेंडर बाइक पर, और उसको पहले तो उसका फ़ोन छीन लिया और उसके बाद उसकी चप्पू की नोक पे उनमें से एक ने चप्पू निकाल के और उसको उसके 8300 रुपये जो कि उसके सामने वाली जेब में थे वो निकाल दिए। और उसके बाद वो तीनों लड़के फरार हो गए। वो फिर अपने ट्रक मालिक को लेके थाने में गया और जाके इस घटना की इतला दी गई थाना में। तो थाना में इतला मिलने के बाद कंट्रोल रूम में इसकी वारदात की वीटी चली। तो वीटी मिलने पर मैं अपनी टीम के साथ वहाँ मौका पर पहुँचा और हमने उसे ड्राइवर से उसके मालिक से उन लड़कों का हुलिया और मोटरसाइकिल का हुलिया सारा पूछने के बाद अपने तौर पर फिर हमने वहाँ पता किया। तो ये पता चला भाई ये वारदात करावड़ी के 3 लड़के थे, तो वो लड़के आइडेंटिफाई हो गए। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर 17 जून को यहाँ पर एक वारदात होती है और कहीं ना कहीं 8300 रुपये यहाँ पर नकदी जो है वो छीन ली जाती है और चाकू के दम पर यहाँ पर इस तरीके की वारदातें हमें देखने को मिलती हैं। तो बहरहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाई हैं और आपको दोबारा बता देना चाहता हूँ कि CMCT करनाल में इस तरीके के वाक्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है। कैमरामैन करण गिरधर के साथ रफ्तार न्यूज़ से विनय विस्की रिपोर्ट।